हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 प्रज्ञा यानी हिंदी मंजरी की किताब से पहले पाठ का अध्ययन कार्य, जिसका कि शीर्षक है जागो जीवन के प्रभात। डियर व्यूवर्स, जय शंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई ये कविता उस समय लिखी गई थी जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। हम गुलामी के अंधकार से आज़ादी के सुनहरे सवेरे की ओर बढ़ रहे थे। उस समय पूरा देश आज़ादी के आंदोलन में शामिल था। नौजवान, बच्चे, बूढ़े सभी आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे। उस दौर में बहुत से कवियों ने लोगों में जोश भरने का काम किया। इसके लिए उन्होंने क्रांतिकारी भावना से ओतप्रोत गीतों की रचना की, जिसको सुनकर सभी के अंदर आज़ादी पाने की इच्छा और बढ़ जाती थी। जागो जीवन के प्रभात, इस कविता के माध्यम से भी कवि ने प्रभात के माध्यम से जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए और लोगों को जागरण के लिए संदेश दिया है। डियर स्टूडेंट्स, यह कविता न केवल गुलामी के समय वरन आज भी हमारे लिए वरदान साबित है। हम उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे, मगर आज अपनी जिम्मेदारियों के, अपने दुखों के और निराशा के गुलाम बन चुके हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमारे निराशा रूपी अंधकार को दूर करके हमें आशा रूपी दर्पण दिखाया है, प्रभात दिखाया है, रोशनी दिखाई है और हमारे जीवन में नया संचार भरने की राह दिखाई है। आइए इस कविता के माध्यम से हम एक एक पंक्ति का भावार्थ जानते हैं। सबसे पहले संदर्भ। डियर व्यूअर्स, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी, जो कि अब बदल चुकी है और प्रज्ञा नाम से प्रख्यात है, प्रज्ञा के जागो जीवन के प्रभात नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि जय शंकर प्रसाद हैं। आइए प्रसंग देख लेते हैं। कवि ने प्रभात के माध्यम से या सुबह के माध्यम से जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए और जागरण के लिए संदेश दिया है। कवि ने रात्रि को बीत जाने पर नवजीवन के प्रभात का वर्णन किया है। आइए कविता का वाचन करते हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिम कण आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। कवि नव जीवन के प्रभात में जागने का आवाहन करता है। डियर स्टूडेंट्स, वसुधा का अर्थ है धरती और हिम कण का अर्थ है हिम के कण यानी बर्फ के कण, क्षोभ का अर्थ है दुख और उषा का अर्थ है सुबह की पहली किरण और अरुणगात का अर्थ होता है लालिमा युक्त शरीर वाली। कवि कहता है इस प्रातः काल में ओस और बर्फ रूपी दुख के जो कारण दिखाई देते थे वे समाप्त हो गए हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा सुबह जब आप उठते हैं तो रात में जो ओस की बूंदें घास पर गिरती हैं, उन पत्तों पर आपने ओस की बूंदें देखी होंगी और सूरज के निकलने के बाद वो गायब हो जाती हैं या विलुप्त हो जाती हैं या सूख जाती हैं। तो कवि कहता है इस प्रातः काल में ओस और बर्फ रूपी दुख के जो कारण दिखाई देते थे वे उषा के कारण यानी पहली सूर्य की पहली किरण के कारण समाप्त हो चुके हैं। अब वो दुख के बादल नहीं रहे। लालिमा युक्त शरीर वाली उषा प्रकट हो चुकी है यानी सूर्य की पहली किरण प्रकट हो चुकी है। उषा के आने पर दिन की गर्मी से ओस समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जागरण और सक्रियता से भी कष्ट दूर हो जाते हैं। हमें जागृत रहना चाहिए। हम सक्रिय रहेंगे तो हमारे दुख भी दूर हो जाएंगे। इस प्रभात बेला में जाग उठो और नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। अब जागो जीवन के प्रभात। अगला पद्यांश है तम नयनों की ताराएं सब मुंद रही किरण दल में हैं, अब चल रहा सुखद यह मलयवात,
अब जागो जीवन के प्रभात। डियर स्टूडेंट्स, तम का अर्थ होता है अंधकार, और ताराएं, यहाँ ताराओं का मतलब है हमारी आंखों की पुतलियां। मुंद रही यानी छुप रही हैं। किरण दल में अर्थात सूर्य की किरण के समूह में। चल रहा सुखद, सुखद माने सुख देने वाला। मलयवात, मलयवात का अर्थ होता है शीतल यानी ठंडी, मंद यानी धीमी धीमी सुगंध वाली हवा। आइए प्रसंग देख लेते हैं। कवि ने रात्रि के बीच जाने पर नवजीवन के प्रभात का वर्णन किया है। कवि कहता है, जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर रात में निकले हजारों करोड़ों तारे कहीं विलुप्त हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, आपको तो पता है ना, जब सूर्य निकलता है तो ये तारे पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं, इसी प्रकार हमारे दुख और करुणा रूपी तारे प्रकाश की किरणों के समूह में छुप गए हैं, मूंद गए हैं, और प्रातः की शीतल यानी ठंडी ठंडी मंद और सुगंध वाली मलय समीर यानी धीमी धीमी गति से सुगंधित हवा चल रही है, इस प्रभात बेला में जाग उठो और नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात अब जागो जीवन के प्रभात। प्रसंग देखिए, कवि ने प्रातः काल में पक्षियों के चहकने और शीतल वायु के चलने और नवजीवन के प्रभात का वर्णन किया है। डियर स्टूडेंट्स, रजनी का अर्थ है रात, लाज का अर्थ है अंधकार, कलरव का अर्थ होता है सुबह के समय जो पक्षी कलरव करते हैं यानी चहचहाना, अरुणाचल यानी पूर्व दिशा। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि जिस प्रकार प्रभात होने पर या सुबह होने पर या सूर्य की किरण निकलने के बाद सुबह होने पर रात में फैला हुआ अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार अंधकार रूपी दुख और क्षोभ रूपी अंधकार मिट चुका है या उसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है। उठो और देखो, प्रातः पक्षियों का जो मधुर कलरव यानी पक्षी जो गीत गाते हैं, मधुर गान कर रहे हैं, उससे उठकर जागकर कम से कम मिलो तो उसका अभिनंदन करो। अरुणाचल में चल रही बात, पूर्व दिशा से जागृति की हवा चलने लगी है, अतः इस प्रातः काल की बेला में जाग जाओ और नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। डियर स्टूडेंट्स, जय शंकर प्रसाद की यह कविता हमारे जीवन में एक नया संचार करती है। इसको पढ़ने के बाद, इसको गंभीरता से पढ़ने के बाद शरीर में आप एक नई स्फूर्ति, एक नया संचार प्राप्त कर सकेंगे, उसे महसूस कर सकेंगे। हमें निराशा रूपी अंधकार को छोड़कर आशा रूपी जीवन में जाग जाना चाहिए ताकि हमारे जीवन के सभी अंधकार हमसे हार सकें, हम आगे उनसे निकल सकें और हम नव संचार के माध्यम से अपने जीवन को सुंदर बना सकें। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।